हेलो गाइस, आज आपके साथ शेयर करेंगे स्कूल गोइंग जो गर्ल्स के मेकअप होते हैं ना, स्टेज मेकअप, वो एक छोटा सा वीडियो मैंने शेयर आज किया है। तो इसमें आप सबसे पहले आईज को अच्छे से, जिस भी मतलब का कर रहे हैं, ये बड़ों का नहीं है, बच्चों का है, ये स्टेज मेकअप इसको हम कहते हैं। तो आईज को अच्छे से सेट करेंगे, पहले हम बेस लगा लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से इसको सेट कर देंगे लूज पाउडर से। शुगर पॉप का लिया मैंने पाउडर, क्रीजेस कालापन सब निकल जाएगा। कंपैक्ट आप ले सकते हैं इससे, क्योंकि बच्चों के इतने क्रीजेस होते नहीं है, उनका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देंगे। तो ये मैंने ली है हुडा ब्यूटी की पैलेट, इसमें से आप देख सकते हैं ब्राउन शेड लिया है ये। मैं आपको एक पैटर्न आज बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है एनुअल फंक्शंस वगैरह सब बच्चों वगैरह के आ रहे हैं, और भी फंक्शंस वगैरह के लिए कईयों को होता है कि हम खुद मेकअप करें, स्कूल में भी करते हैं, बट कईयों को होता है कि उनके घर में ही करें, मतलब अपने घर के मेंबर से करवाएं। तो ये वो है वीडियो। और वैसे भी आपके पार्लर का जो कोर्स है उसमें आपको सिखाया जाता है स्टेज मेकअप। तो इस तरह से ब्राउन कलर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, तो ऑरेंज का ये शिमरी शेड मैंने लिया है मिस रोज़ की पैलेट में से, और इसको अच्छे से पूरी बची हुई आईलेट पर अच्छे से स्मज कर दूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने फिंगर की हीट से ही इसको सारा स्प्रेड कर दिया, और ब्रशों की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इजी होता है ये मेकअप करना। बड़े भी ये मेकअप कर सकते हैं, बट फिर उनको आईलाइनर बिल्कुल जैसे लगाते हैं हम लोग प्रोसाइज लगाना, ऐसे इसमें थोड़ा हैवी लगता है स्टेज मेकअप्स में, उस तरह का नहीं लगाना। बाकी ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम है, बड़ों का भी पार्टी मेकअप या फेस्टिवल मेकअप भी अगर आप कर रहे हैं। उसको करके के बाद फिर हमने ये येलो कलर लिया इसी में से, मिस रोज़ की ही पैलेट है, और इसमें से हम लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मेक श्योर अच्छे से ब्लेंड कर लें, लाइनें लुइने ना लगी हों। मैंने एक्चुअली पूरे फेस का करना था, बट फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैं कहा पहले आज ये करती हूँ, वो भी शेयर करेंगे आगे जाकर आपके साथ। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ये कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है, ये यूनिवर्सल कलर है, हर कलर की ड्रेस के साथ बच्चे इसको डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आईलाइनर है कुछ इस टाइप का लगता है, स्टेज फंक्शन का जो मेकअप्स होते हैं, ये देखिए थोड़ा हैवी लुक रखते हैं, कई लोग इससे भी हैवी रखते हैं, बट वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। पीछे सेलो टेप ज़रूर लगा लेना, इस तरह का शेप देना है। इसको हम पूरा अभी इवन करेंगे, थोड़ा सूखने दीजिए इसको, नहीं तो वो फैल जाएगा। तो ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया, उसके बाद ये ऑरेंज लिया है मैंने ग्लिटर, और इसको अच्छे से आप हाईलाइट पर स्मच कर दें। पूरे पे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के ऐसे कोई प्रसाइज हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, हार्ड एंड फास्ट रूल्स बहुत इजी होता करना। उसके बाद नीचे वाले पे भी मैंने काजल से सब कुछ स्मच कर लिया। तो इसमें थोड़ी हैवी आईलाइनर लुक देते हैं, काजल हमने नीचे स्मच किया, बट इसको हम फिर कवर करेंगे अगेन ऑरेंज कलर से, बिकॉज इससे बहुत हैवी और बहुत अजीब सा लुक लग रहा है। तो इसको हम फिर इस तरह से बिल्कुल न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट करके या DM करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। अब लग रहा है ना थोड़ा सोबर, और बाकी जो भी आपको थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कुछ ऊपर खामी है, तो फिर उसको आप ठीक कर लें। इसको अच्छे से कवर करना है हमने पीछे तक, और इसमें आईलाइनर इस टाइप का ही लगता है जो डांस कॉम्पिटिशन वगैरह जैसे होते हैं ना, स्टेज वगैरह के फंक्शन होते हैं उनमें इस तरह का ही हम लुक देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ गया, एंड उसके बाद ये देखिए इस तरह का फाइनल लुक आया। इसके बाद हाइलाइटिंग करेंगे अगेन, ये हाइलाइटिंग के स्टेप सेम है, इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे अच्छे से। स्विस ब्यूटी का ये हाईलाइटर पैलेट, ब्रिक हाईलाइटर पैलेट लिया है मैंने, जो भी आपके पास हाईलाइटर आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो ज़रूर करें स्टेप, क्योंकि इसी से ग्लो आता है, इसी से ही मतलब जो है उभर के आता है मेकअप। क्योंकि बच्चों को कपड़े भी इस तरह के पहना देते हैं, लहंगे वगैरह या जो भी उनकी ड्रेस, जो भी मेकअप कर रहे हैं वो डांस, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद बस मस्कारा से उसको सेट कर दिया। यही मैंने बताया, आप कलर्स आप पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं, बट फिर आपको आईलाइनर उसमें पतला रखना, उसमें ऐसा हैवी मत रखना, अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ स्टेज मेकअप्स में ही हम इस टाइप का आईलाइनर लुक, या मॉडल्स भी कई होते हैं उस मेकअप में भी हम रख लेते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टेज मेकअप का, जो फंक्शन वगैरह में बच्चे करती हैं गर्ल्स मेकअप, वो वाला आई मेकअप। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करना, और आपको जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, आप बने रहना हमारे चैनल पर। और आपको कौन से हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं ये भी कमेंट करके बताना।